दिल्ली के रोहिणी जिले के बेगमपुर इलाके में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। कई राउंड चली गोलियां, दो पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। मुठभेड़ के दौरान दीपक नाम के बदमाश को पुलिस ने किया ढेर। 2019 में हत्या के मामले में वांटेड रह चुका है दीपक। दरअसल दिल्ली के रोहिणी जिले के बेगमपुर थाना पुलिस देर रात इलाके में गश्त कर रही थी। आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस की तरफ से लगातार पेट्रोलिंग की कार्रवाई को तेज किया गया और अपने इनपुट को भी सक्रिय किया गया। इसी कड़ी में पुलिस को जानकारी मिली कि दीपक नाम का एक बदमाश रानीखेड़ा के आसपास इलाके में मौजूद है। पुलिस ने तुरंत जानकारी के आधार पर मिली हुई जगहों पर छापेमारी शुरू की और जब दीपक को देखा गया तो पुलिस ने उसे सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन दीपक की तरफ से पुलिस पर जिसमें विकास और सनी नाम के दो कांस्टेबल को गोली लगी। विकास के हाथ में गोली लगी और वही सनी के पैर, जिसमें दोनों पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसके बाद पुलिस की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की गई, जिसमें दीपक को गोली लगी और वही मौके पर ही ढेर हो गई। आनन फनन में तीनों को नजदीकी अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने दीपक को मृत घोषित कर दिया और कांस्टेबल सनी और विकास का इलाज लगातार जारी है। दीपक नाम का यह बदमाश 2019 में हत्या के मामले में वांटेड रह चुका है। आज सुबह 5:15 बजे के करीब बेगमपुर थाने की पुलिस टीम ने एक हमारे ही क्षेत्र का एक वांटेड क्रिमिनल था, जो पुलिस स्टेशन KM काटजू में भी कुछ दिन पहले एक दीपक के लिए राधे जो टेलू गैंग का सदस्य है उसने मर्डर किया था। इस अक्यूज का नाम दीपक के लिए बच्ची एलियस टाइगर है। उसकी इतला मिली और उस इतला के चलते उसको पकड़ने के इरादे से हमारी टीम ने एक ट्रैप लगाया था, जिसमें ट्रैप के दौरान एक पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ हुई, जिसमें हमारे दो पुलिसकर्मी कांस्टेबल विकास और कांस्टेबल शनी को गोली लगी और जवाबी कार्रवाई में ये दीपक एलियस बच्ची को सेल्फ डिफेंस में फायर किया गया, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। ये दीपक एलियस टाइगर जो है ये गोगी गैंग का शार्प शूटर है। हमारे ही दो केसेस में वांटेड था। एक बेगमपुर का केस है, जो अभी कुछ दिन पहले हमने एक सुमित एलियस सेठी को पकड़ा था, उससे 3 पिस्टल्स बरामद हुई थी, जो पता चला कि दीपक एलियस टाइगर की है और उसमें वो उसमें वांटेड था। एक इसी पुलिस स्टेशन के काटजू मार्ग के केस में वांटेड था। हमारे ही एक पुराने केस में 2019 में पेरोल जंपर भी था वो, और एक रोहतक के केस में भी पेरोल जंपर है। टोटल उसकी 5 पहले की इन्वॉल्वमेंट भी मिली है और बाकी गोगी गैंग का वो कैप्टिव था। वो तो आगे की तफ्तीश में ही पता चलेगा। हमें इतला मिली थी कि वो आगे यहाँ पे कुछ और, जो इनकी लॉन्ग स्टैंडिंग राइवलरी चल रही है उसी सिलसिले में कुछ और कार्रवाई करने के लिए आया था, तो उस समय जब इतला मिली तो उस पर आगे की कार्रवाई पुलिस ने अमल में ली।